हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। मिसेस कोहली की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं क्रीमी मैक्रोनी, जो वाइट सॉस के साथ हम बनाएंगे, और ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बनानी भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, ये मैंने मैक्रोनी ली है, ये मैंने 1.5 कप की क्रीम मैक्रोनी ली है, तो इसे हम बाद में बॉईल करते हैं। तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो ये मैंने एक शिमला मिर्च ली है, उसको काट लिया है, और एक ही मैंने प्याज लिया है, उसे भी मैंने जिस तरह से मैं शिमला मिर्च काटी है उसी तरह से प्याज को भी काट लिया है। और साथ में हमें चाहिए लहसुन और हरी मिर्च, ये इन्हें भी चॉप कर लिया है। और ये मैंने धनिया लिया है, इसे मैंने पहले ड्राई करके रखा हुआ था और अब मैंने इसे वॉश करके लिया है। और साथ में हमें चाहिए चिली फ्लेक्स और ऑरेगानो, साथ में नमक, काली मिर्च। और हम वाइट सॉस बनाने के लिए ले रहे हैं दूध 1 गिलास के करीब, ये मैंने 1 चम्मच के करीब लिया है मैदा, और साथ में चाहिए हमें मक्खन। और फ्रेंड्स, हम इसमें चीज़ भी डालेंगे, चीज़ के साथ ये बहुत टेस्टी बन जाती है। और ये मैंने क्रीम ली है, फ्रेश क्रीम, ये देखिए इस तरह की अमूल की मैंने फ्रेश क्रीम ली है, तो उसे भी हम इसमें ऐड करेंगे, तभी ये क्रीमी बनेगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए मैक्रोनी बॉयल करने के लिए पानी। तो मैंने पानी को बॉयल अभी नहीं किया है, तो मैं पहले इसमें मैक्रोनी डाल दूंगी, और अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून डालूंगी नमक, और उसके बाद हम इसे बॉयल करने के लिए रखेंगे। और इसमें मैं ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि इसमें बिना ऑयल के ये चिपक जाए। तो हमें इसे एक बॉयल आने तक बस इसे बॉयल करना है। तो मैं इसे गैस के ऊपर रख देती हूँ, ये देखिए मैंने गैस के ऊपर रख दिया है, और एक बॉयल आने तक हमें इसे पकाएंगे, और बाकी हम इसे बंद कर देंगे गैस को, और इसे गर्म पानी में ही कुक होने देंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने पैन रख दिया है दूसरी गैस के ऊपर। अब इसमें हम डाल देंगे बटर थोड़ा सा, और उसे अच्छी तरह से मेल्ट होने देते हैं। ये देखिए बटर हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन और हरी मिर्च, इसको हम हल्का सा सौते करेंगे, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इसका अगर हम इसमें बटर में इसको फ्राई करते हैं, तो लहसुन का और हरी मिर्च का। और साथ में मैं इसमें डाल दूंगी शिमला मिर्च, आप अपने हिसाब से कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें 2 सब्जी ही डाल रही हूँ, प्याज और हरी मिर्च, इससे भी इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो इसे हमें अच्छी तरह से कुक करना है, तो मैं इसे कम 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक कर इसे पकाऊंगी। और देखिए एक बार हम इसे मैक्रोनी को भी चला देते हैं, और इसे एक अच्छा बॉयल आने देंगे, और इसको हम जब बॉयल के बाद बंद कर देते हैं फ्रेंड्स, तो ये पानी में अपनी तरह अच्छी, ये देखिए बॉयल आ चुका है इसमें। और अब हम इसे फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और इसे ऊपर से ढक देंगे, और मैं आपको दिखाऊंगी कि अपने आप ही बहुत ही अच्छी तरह से फूल कर ऊपर आ जाएगी। कम से कम 2 से 3 मिनट हमें लगते हैं। ये देखिए सब्जी हमारी अच्छी तरह से कुक हो रही हैं। एक बार इसे चला देते हैं नमक डालते हुए, ये देखिए थोड़ा सा नमक मैंने इसमें ऐड किया है, ज़्यादा नमक नहीं इसमें मैंने डालना, क्योंकि बाकी की भी हमने मैक्रोनी में भी ऐड किया हुआ है, और बाद में भी हम नमक इसमें ऐड करेंगे। तो अब मैं इसे साइड पर रखते हुए दूसरा पैन लूँगी, और उसमें बटर ऐड कर दिया है, देखिए इसे मेल्ट होने देंगे अच्छी तरह से। और जैसे ही ये मेल्ट होगा, इसमें हम 1 चम्मच के करीब मैदा डाल देंगे। वाइट सॉस बनाने के लिए हमें मैदे का इस्तेमाल करना है, तो मैदा हम इसमें अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक उसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। और फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखी है, ये देखिए हल्का सा कलर इसका चेंज हो गया है, और 1 चम्मच में काफ़ी अच्छी तरह से वाइट सॉस बन जाती है, ये देखिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे, एकदम से दूध हम नहीं डालेंगे इसमें, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि मैदा जो है
वो जल्दी से उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो बिल्कुल धीरे धीरे इसमें दूध को हम ऐड करते जाएंगे। ये देखिए साथ ही बिल्कुल सही हो जाता है इसका। तो अब मैं और डालूंगी थोड़ा सा दूध और फ्लेम अभी भी हमारी लो है, तो इसी तरह से हम सारा दूध इसमें इसी तरह डालते जाएंगे। देखिए दूध हमने सारा डाल दिया है इसमें और हमारी व्हाइट सॉस बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे अच्छी तरह से चला लेंगे एक बार ताकि जितना भी इसमें गुठलियाँ हैं वो भी सही हो जाएं। आप पास्ता भी इसी तरह से बना सकते हैं। तो ये देखिए ये कितनी अच्छी सॉस बन चुकी है। सॉस हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और मैं आपको एक बार उस मैक्रोनी दिखा देती हूँ। ये देखिए मैक्रोनी हमारी फूल कर ऊपर आ चुकी है ये देखिए, और एक एक दाना इसका अलग है, बिल्कुल भी साथ में नहीं चिपकी है। अब मैं इसे छान लूँगी और ये देखिए सॉस हमारी बिल्कुल बन के तैयार है। अब हम इसमें जो हमने शिमला मिर्च और प्याज को फ्राई किया था अब वो इसमें हम डाल देंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है फ्रेंड्स। अगर आप सब्जियां नहीं भी ऐड करना चाहते तो आप सीधा डायरेक्ट भी इसमें मैक्रोनी बना सकते हैं। तो अब मैं इसमें चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल दूंगी। साथ में ही हम डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक और काली मिर्च का पाउडर। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इससे। अब इसे एक बार मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। और फ्रेंड्स अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम, इससे इसका फ्लेवर और बढ़ेगा, तभी ये हम क्रीमी इसको कहते हैं। तो ये क्रीम इसमें डालने से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फ्रेंड्स, और बहुत ही बढ़िया मैक्रोनी बनकर तैयार होती है। तो जैसे ही इसमें मेल्ट हो जाएगी क्रीम तो हम इसमें ऐड कर देंगे अब मैक्रोनी, और झटपट से बन जाती है, इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। और साथ के साथ ही देखिए हमने मैक्रोनी को बॉईल किया है और साथ ही हमने बाकी चीज़ों को मिक्स कर दिया। ये मैंने इसमें धनिया डाल दिया है, धनिया को मैंने बिल्कुल सुखा कर रखा हुआ है ताकि वो ख़राब ना हो, और उसको मैं बाद में इस तरह से धो लेती हूँ पानी से, तो वो बहुत ही सही और ग्रीन बिल्कुल रहता है, बिल्कुल फ्रेश रहता है धनिया। तो इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगे। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़ जो हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, और फ्लेम हम कर देंगे ऑफ, और अब इसे कवर करके हम रखेंगे और अच्छी तरह से इसे मेल्ट होने देंगे। ये देखिए चीज़ बिल्कुल हल्की तरह से मेल्ट हो चुका है। इसे अच्छी तरह से एक बार सारा को मिक्स करेंगे हम, और हमारी क्रीमी मैक्रोनी बनकर तैयार है फ्रेंड्स। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। ये देखिए मैंने इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है, बहुत ही सुंदर दिख रही है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है फ्रेंड्स। आप भी इसे अपने घर पर एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, और बहुत ही टेस्टी क्रीमी मैक्रोनी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। फिर मिलती हूँ दोस्तों एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।